जय श्री कृष्ण बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5 इकाई नंबर 10 सीखो, इस चैप्टर का अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न और प्रश्न 2, पहला और दूसरा वो आपको बोलना है और समूह गान करना है। तो इसलिए हम अभ्यास की शुरुआत प्रश्न 3 से करेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का पहला प्रश्न सवाल, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? उसका उत्तर होगा, सीखो कविता में फूल, भौरा, तरु, डालियां, हवा, पेड़, पृथ्वी, मछली, जल, सूरज, अंधेरा और धुआ आदि तत्वों की बात की गई है। प्रश्न सवाल दूसरा, आपने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरिता यानी कि नदी, बादल, पहाड़, तारे, चांद, दिन, रात, धूल, मिट्टी आदि प्रकृति के तत्व हैं। प्रश्न 4, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए, यानी कि आपको अभ्यास का दूसरा प्रश्न है वो भी आपको खुद ही बताने हैं, क्योंकि काव्य में से आपको वो शब्द ढूंढना है और इससे आप क्या सीख लेते हैं वही सीख आपको लिखनी है। स्वाध्याय का 5वां प्रश्न है वो कुछ खास नहीं है और वो एग्जाम में भी नहीं आते, इसलिए हम स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए। फूल यानी कि हंसते रहना। दूसरा, जलधारा, तो जलधारा तो जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, तो मछली से आएगा स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, तो सेवा करना। और अंतिम धुआ, तो धुआ का होगा उन्नति करना। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न सवाल नंबर 1, दुख में हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर होगा, दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। दूसरा सवाल, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें जगने और जगाने की सीख मिलती है। तीसरा सवाल, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। और अंतिम सवाल, अंधेरा कौन दूर करता है? तो अंधेरा दीपक दूर करता है और उजाला फैलाता है। स्वाध्याय की स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियों ढूंढकर लिखिए। तो पहली पंक्ति का उत्तर होगा, उस पहले का उत्तर होगा, फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरे सवाल का उत्तर होगा, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरी पंक्ति होगी, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और अंतिम, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। स्वाध्याय का प्रश्न 4, कविता में से संज्ञा विशेषण क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको उदाहरण दिया है, यहाँ संज्ञा पे आएगा सूरज, तो सूरज एक लड़के का नाम है, तो उसका विशेषण हम कोई भी लिख सकते हैं। या यहाँ पे लिखा है सच्चा और क्रिया है गाना, तो इस तरह हम दूसरा कोई भी शब्द ले सकते हैं, यानी कि हम मोहन, तो मोहन से विशेषण होगा तेजस्वी और क्रियापद होगा पढ़ना। तो इस तरह आपको कोई भी संज्ञा विशेषण और क्रिया के नाम ढूंढकर आपको लिख देना है। प्रश्न 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। એટલે કે આપ તમે જે વિશેષણ અને ક્રિયા માટે જે શબ્દ લખ્યો છે કે તેનો આપણે ઉપયોગ કરીને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. અને અહીં આપણો આ એકાઈનો જે સ્વાધ્યાય છે તે પૂર્ણ થાય છે.